हेलो दोस्तों, फार्म लोन वेवर का डिमांड दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी किसान का जो कर्ज है उसको माफ कर दिया है, कुछ सोच रहे हैं कि फ्यूचर में करेंगे। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रहे हैं कि फार्म लोन वेव करे या ना करे। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि अगर मैं जीत जाऊं तो सब फार्म लोन में वेव कर दूंगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये एक टिपिकल पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, लेकिन कोई इसका सोशियो इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होगा, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो फार्म लोन वेवर है इसका क्या फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ सकता है किसानों के ऊपर, बैंक का फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, ओवरऑल ये जो फार्म लोन वेवर है इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल टॉपिक के वीडियो अपलोड करता हूं जो आपको डे टू डे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू में आई थिंक एक चीज में हम लोग सहमत हो सकते हैं कि इंडिया में अभी किसानों का हालत बहुत ही खराब है। आज नहीं, लास्ट 20-30-40 साल में किसानों का जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये फार्म लोन वेवर उसका सिचुएशन चेंज कर सकते हैं ना, ये उसका सिचुएशन और भी खराब कर सकते हैं, ये हम लोगों को देखने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको तीन पार्ट में बताऊंगा। पहले पार्ट में होगा कि बिजनेस लोन वेवर एंड फार्म लोन वेवर में क्या डिफरेंस है। ये डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग फार्म लोन वेवर की डिस्कशन करते हैं तो पहला जो लॉजिक आता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन को बहुत सारे गवर्नमेंट छूट दे रहा है, किसानों में देने में क्या प्रॉब्लम है, तो ये पार्ट में पहले डिस्कस करूंगा। दूसरा है कि ये जो छूट है इससे फार्मर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या उसका प्रॉफिट होता है, क्या उसका फ्यूचर में लॉस होता है, और तीसरा है कि बैंक का फ्यूचर स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, क्या आरबीआई का गाइडलाइन है, क्या गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। तो ये तीनों पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कि बिजनेस लोन वेवर एंड फार्म लोन वेवर में डिफरेंस क्या है। बिजनेस लोन वेवर में कुछ टर्म आपने सुना होगा, एक है कि लोन को राइट ऑफ कर दिया गया है, दूसरा है कि लोन के ऊपर हेयर कट हुआ है। तो ये दोनों तरीके से बिजनेस लोन के ऊपर छूट दिया जाता है, ये माना जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जो राइट ऑफ होता है ये कोई छूट नहीं तो डिस्काउंट नहीं है। राइट ऑफ क्या होता है ना, जब कोई लोन एनपीए हो जाता है बैंक में, तो बैंक को सपोज आपका 1 करोड़ का लोन एनपीए हो गया है, तो आरबीआई का गाइडलाइन है कि आपका अगर 1 करोड़ लोन एनपीए हो गया तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट आपको प्रॉफिट से काट के साइड में रख देना है, मतलब जिसको प्रोविजनिंग कहते हैं। एक पीरियड होता है जैसे कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, एक टाइम के बाद होता है। ऐसा एक टाइम आता है जब आपको 100% प्रोविजनिंग करना है, मतलब है कि अगर बैंक का 1 करोड़ लोन खराब हो जाए तो बैंक को 1 करोड़ प्रॉफिट से कट के साइड में रखना है। तब क्या होता है कि बैंक सोचता है कि मुझे तो 1 करोड़ साइड में रखना ही पड़ रहा है, क्यों ना मैं ये 1 करोड़ को देके ये 1 करोड़ लोन को मैं शोध कर दूं। इससे क्या होगा कि बैंक का जो एनपीए है वो घट जाएगा, इससे क्या बैंक का परसेंटेज घट, इससे बैंक का रेटिंग बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा कि कुछ डिपॉजिट के अगेंस्ट में आपको लोन देना पड़ रहा था, पहले ये 1 करोड़ ब्लॉक था, अब वो खाली हो गया, तो बैंक फिर से नया लोन दे पाएगा। तो ये दो कारण से वजह से बैंक राइट ऑफ करता है, क्योंकि 100% प्रोविजनिंग होने से वो पैसे से ये लोन को वो शोध कर देता है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं हुआ कि जो लोन लिया है उसको कोई पैसा वापस नहीं करना होगा। दोस्तों, ये सब कुछ नहीं, ये सिंपली बैंक का बुक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। बोरोअर के केस में जो जो एक्शन है सभी लिया जाता है, जो जो रिकवरी मेजर है सब कुछ लिया जाता है, और बोरोअर को एक एक पैसा लौटाना पड़ता है। तो राइट ऑफ कोई वेवर नहीं है। तो दूसरा अब जो आता है वो है कि हेयर कट। आपने अगर नहीं सुना है सिंपली गूगल कर लीजिए कि लोन में हेयर कट क्या होता है। हेयर कट मतलब कुछ नहीं कि आपको कुछ सर्टेन पोर्शन छूट दिया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भूषण स्टील, सुना होगा जो टाटा स्टील ने उसको एक्वायर किया है। भूषण स्टील ने क्या किया था कि 20-30 हजार करोड़ लोन लिए थे बहुत सारे बैंक से,
लेकिन उसका हालत खराब हो गया। तो टाटा ने क्या किया कि वो कंपनी को एक्वायर कर लिया और उसका जो लोन है उसको वो शोध कर दिया। अब भूषण स्टील का टोटल आउटस्टैंडिंग था 59,000 करोड़, ऑलमोस्ट 60,000 करोड़। आउटस्टैंडिंग मतलब, लेकिन प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो टाटा ने क्या किया कि 35,000 करोड़ में उसको शोध कर दिया। तो 35,000 मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा प्रिंसिपल ही टाटा ने दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन उसको छूट मिला, जिसको हेयर कट कहते हैं। दोस्तों इसमें भी पूरा वीवर नहीं है, कुछ पोर्शन जैसे कॉम्प्रोमाइज में होता है इस तरह से दिया गया, लेकिन 35,000 करोड़ लेकिन बिजनेसमैन को देना पड़ा। लेकिन फार्म लोन वीवर में क्या होता है कि पूरा पैसा गवर्नमेंट दे देता है, राइट। इसमें लेकिन जो लोन ले रहा है उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। क्या भूषण स्टील को बाद में लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन क्या फार्मर को फ्यूचर में लोन की जरूरत है? जरूरत है। तो यहां पर ही डिफरेंस शुरू होता है दोस्तों। सपोज आपने 2012 में लोन लिया है, एग्रीकल्चर लोन लिए हैं, केसीसी लिए हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं। अब ये सोच के हम लोग बैठ जाते हैं, कभी ना कभी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा लोन वेव कर देगा, ये सोच हम लोग के दिमाग में होता है ना। लेकिन क्या होता है कि 2012 में तो आपने लोन लिया, खेती बाड़ी भी कर लिए, अब 2013 में क्या होगा? अब तो वो पैसा नहीं लौटा है, तो फिर से आप वो मनी लॉन्डर के पास जाएंगे, फिर से आप वो डीलर के पास जाएंगे जो आपको फ्री में सीड एंड फर्टिलाइजर देगा, और जब आपका फसल उगेगा वो कम पैसे में आपके पास से खरीद लेगा। तो 2012 में तो आपको लोन मिल गया, अब शांति से बैठ गए कि मैं नहीं दूंगा। अब 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, अभी वोट आ रहा है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट आपका वेव कर दिया, अब बहुत खुश हो गए। लेकिन ये 6-7 साल में आपने क्या किया कि मनी लॉन्डर के पास से 13, 14, 15, 20, 25, 30% से आपने धार लिए, लेकिन उसको सही तरीके से आपने रिपेमेंट किए। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर लोन केसीसी को रिपेमेंट करते तो आपको पता है कितना इंटरेस्ट देना पड़ता? ओनली 4%। नॉर्मल कोर्स में 7% होता है, और अगर आप सही तरीके से रिपेमेंट करें तो 3% गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। तो ये वीवर के चक्कर में आप लोग बैंक से लोन नहीं लेते हैं, लेकिन 20% 30% से मनी लॉन्डर के पास से लेते हैं, और बाद में क्या होता है कि प्रॉफिट घट जाता है। अगर आप 20% इंटरेस्ट देंगे तो प्रॉफिट कितना करेंगे? और इसीलिए आप जो फार्मर का हालत है वो सुधार नहीं रहा है, क्योंकि वो क्रेडिट को यूज नहीं कर रहा है ये सोच के कि कभी मेरा लोन वेव हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे कि कुछ फार्मर एक ही तरीका का एग्रीकल्चर कर रहा है, जो ऑनियन उगा रहा है, प्याज उगा रहा है, तो पूरा सभी वो एक ही काम कर रहा है, जो आलू कर रहा है तो एकड़ के एकड़ से आलू दे रहे हैं, नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास कैपिटल भी नहीं है। कैपिटल कैसे आएगा? अगर बैंक से लोन लेता तभी कैपिटल आएगा, लेकिन वो तो बंद करके रखा है, केसीसी को बंद कर डिफॉल्ट करके रखा है, और इसीलिए एक ही टाइप का फसल उगाते हैं, और इसीलिए दाम भी घट जाता है, और इसीलिए फार्मर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है आज इतना खराब है। अगर क्रेडिट को सही तरीके से हर साल वो रोलिंग करते, वो नया नया फसल वो उगाते, तो फार्मर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है और भी बेटर हो सकता थे। अब और एक चीज आप सोचिए कि फार्म लोन वेवर हो गया, मतलब है कि गवर्नमेंट ने बैंक को पैसा दे दिया, इसमें आपका क्या प्रॉफिट हुआ? आप तो 2012 में लोन लिए थे, गवर्नमेंट ने बैंक को शोध कर दिया, ठीक है आप खुश हो गए, अब आपका क्या होगा? दूसरी बात, जब बैंक में जाएंगे आपको लोन देगा वो? और आप चिल्लाते रहेंगे कि बैंक लोन नहीं देता, नहीं देता। क्या अगर आप खुद बैंकर होते तो आप क्या लोन देते किसी को ये सोच के कि वो कभी भी पैसा मुझे नहीं लौटाएगा? इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो क्रेडिट सिस्टम है, जो अगर आप सही तरीके से यूज करते, ओनली 4% जो सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट है उसमें आप करके आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था, और खेती में एक्चुअल में आप प्रॉफिट का मुंह देख सकते थे। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी सिर्फ केसीसी में लिमिटेड है। आप अगर कोई ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा है, बड़ा कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हैं, आप डेयरी करना चाहते हैं, पोल्ट्री करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका केसीसी में डिफॉल्ट हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
अगर आपका बेटा फ्यूचर में एडुकेशन लोन लेते जाएंगे तब भी उसको बैंक नहीं देंगे कि ये बोल के कि आपका पापा डिफॉल्टर था, यही सुनना चाहते हैं ना, आपका बेटे का भी लोन नहीं मिलेगा। क्या मुझे 2012-13 में एक ने मैंने 50,000 लिए थे, उसमें मुझे छूट मिल गया, मैं बहुत खुश हूं, मैं डिफॉल्टर हूं, मैं मनी लॉन्डर के पास से 30% 40% में लूंगा लेकिन बैंक का पैसा नहीं लौटाऊंगा। इंडिया में फार्मर का हालत इसीलिए खराब है क्योंकि क्रेडिट का यूज नहीं किया जाता है खेती में। क्रेडिट का यूज कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जाता है, लोन मिलता है, गाड़ी खरीद लेते हैं और फिर मनी लॉन्डर के पास दौड़ते हैं और 20-30% पे लेते हैं। इसीलिए आज फार्मर का हालत खराब है क्योंकि 20% इंटरेस्ट देने के बाद प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अब फिर थर्ड जो पॉइंट आता है कि बैंक फ्यूचर में क्या करेगा, क्या बैंक फ्यूचर में और एग्रीकल्चर लोन देगा, और देता है तो क्यों देता है 7% 4% में? क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि प्रायोरिटी सेक्टर में उसको 18% देना है। अगर नहीं देंगे तो वो पैसे को आरआईडीए बॉन्ड में फालतू फेंक के रखना पड़ेगा, इसीलिए बैंक लोन देता है। आप सोचिए, बैंक अगर देखे कि केसीसी में देंगे तो पराड़ आएगा, उससे अच्छा ये नहीं हुआ कि मैं आरआईडीए में रख दूं। क्या आप कभी सुना है कि प्राइवेट बैंक केसीसी दे रहा है? नहीं देता है ना, ये गवर्नमेंट बैंक ही देता है, उसको भी मार डाल रहे हैं हम लोग। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई का जो नया गाइडलाइन है एग्रीकल्चर फाइनेंस में, उसमें डेयरी भी है, उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें ग्रीन हाउस भी है, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाता है वो भी है। तो उस टाइप का जो सिक्योरिटी बेस है उसमें बैंक लोन देगा, केसीसी क्यों देगा? जो एग्रीकल्चर गोल्ड लोन आप देखेंगे गांव में बहुत सारे अभी दे रहा है, वो भी एग्रीकल्चर में पड़ता है। तो इसीलिए बैंक फ्यूचर में केसीसी देना बंद कर देगा अगर ये वेवर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जो एग्रीकल्चर का बजट है वो डेयरी पोल्ट्री गोल्ड लोन कॉरपोरेट से एग्रीकल्चर में कॉरपोरेट में देके ही हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फ्यूचर में बहुत ही सफर करेगा। इसीलिए दोस्तों ये वेवर के पीछे मत दौड़िए, सही टाइम में प्रीपे कीजिए एग्रीकल्चर लोन को, ओनली 4% ही उसको यूज कीजिए हर साल, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बैंक को भी सही लगेगा कि आपको फ्यूचर में अगर बड़ा आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक इजीली आपको दे देगा। और मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पैसा 10,000 15,000 20,000 करोड़ सिंपली एग्रीकल्चर लोन वेव ना करके ट्रैक्टर लोन में सब्सिडी दीजिए। क्या आपने सुना है कि वेजिटेबल का कोई कोल्ड स्टोरेज है आपके एरिया में? पर आलू का होता है लेकिन वेजिटेबल का जो कोल्ड स्टोर अभी नहीं है इंडिया में ज्यादा, तो क्यों ना उसमें 50% 60% सब्सिडी दिया जाए जो एक्चुअली फार्मर को हेल्प करेगा। हाँ, ये जो 4% इंटरेस्ट है उसको और भी घटा दीजिए, 1% इंटरेस्ट कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट हम रिपे कर देंगे तो फार्मर का जो रिपेमेंट का कैपेसिटी है उसका सोच में चेंज होगा, सोशियो इकोनॉमिकल थॉट प्रोसेस में चेंज होगा, वो रिपेमेंट नहीं करेगा, मनी लॉन्डर के पास दौड़ेगा और इंटर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फ्यूचर में बहुत ही खराब सिचुएशन में पड़ सकता है। दोस्तों होप आज मैंने जो डिस्कस किया इससे आपको एक आइडिया हुआ होगा कि ये फार्म लोन वेवर है ये कितने बड़े इफेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। तो अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और नहीं तो मेरे जो व्यू है उससे डिफर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर इसको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।